मेरा परसेंटाइल ओवरऑल है 98.9663186। कोई भी कंपटीशन में प्लानिंग जरूरी है। अगर जेईई मेंस देना है तो देना है, विदाउट प्लान आप कुछ नहीं कर सकते। इफेक्टिव एजुकेशन बोकारो है बेहतर, इस श्रृंखला में आज हम आए हुए विद्यार्थी क्लासेस, यहाँ के बच्चे जो अचीव किए हैं जेईई मेंस में, हम उन बच्चों से भी बात करेंगे और जो फैकल्टी हैं उनसे भी बात करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस होते हुए भी वो क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे वो अचीव किए हैं। मेरा परसेंटाइल ओवरऑल है 98.9663186 और मैथमेटिक्स में 99.64, फिजिक्स में 98.23 और केमिस्ट्री में 95.31। क्या दिनचर्या रहता था जब आपने डिसीजन लिया कि हम निकाले? जी सर, मतलब इसके लिए तो मतलब सबसे पहला बात है कि हमको मतलब डिटरमिन होना है कि हमको मतलब करना है तो करना है। पहला बात ये नहीं कि वो एग्ज़ाम देंगे ये एग्ज़ाम देंगे, मतलब जेईई मेंस देना है तो देना है। और सबसे पहले बात एक बार डिटरमाइन हो जाएगा तो उसी से आपको मोटिवेशन मिल जाता है। मिल जाने के बाद फिर ऐसा आता है कि स्ट्रेटेजी इन द सेंस हम लोग कोशिश करते हैं कि मैथ्स में जो है एक बार कंसेप्ट हो जाए तो फिर जितना हो सके हम लोग प्रैक्टिस कर ले। पहला तो बात है कि एनसीईआरटी हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए जब जेईई मेंस एग्ज़ाम है। और फिजिक्स में एट द पॉइंट टू द पॉइंट हमको एक एक कंसेप्ट समझना चाहिए, मतलब कौन सा कंसेप्ट कौन सा क्वेश्चन में कहाँ यूज़ करना है। अगर प्रैक्टिस किया रहेगा और कंसेप्ट किया रहेगा तो ब्रेन में स्ट्राइक करेगा। और रहा बात केमिस्ट्री का, तो उसमें हम अगर एनसीईआरटी पूरा देख के चले और ऑर्गेनिक पार्ट का अगर कुछ अच्छे बुक्स के क्वेश्चन बना लें तो उससे भी हो जाएगा। और पूरा कोई अगर एनसीईआरटी है तो मतलब इतना बोल सकते हैं कि अगर हम पूरा एनसीईआरटी अच्छे से मतलब किए हैं, मतलब जितना टाइम है उतना बार हमको 100% आ सकते हैं। जब आपने बताया कि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर बन गया और डिटरमाइन हो गया, तो क्या क्या चीज़ आपको तकलीफ दे रहा था डिटरमाइन नहीं हो? अब तकलीफ जैसा बात है कि मतलब टेस्ट सीरीज के मार्क्स जैसे होता है कि शुरू में देते तो हमको 100 के दीजिए, फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि मतलब कि एक पहला टेस्ट है तो उससे हम थोड़ा सीख लेते हैं कि अगला जाके अच्छा करेंगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो तो देते रहना चाहिए। लेकिन एक बात है कि अगर हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करें और हार्डवर्क मेंटेन करें, ये नहीं कि अच्छा आ गया तो हम नीचे चल जाए और नीचे आ गया तो हम बैठ जाए, वैसा नहीं है। जो आ रहा है उससे बेटर करने की कोशिश, अगर 200 क्रॉस भी कर रहा है तो हम कोशिश करें 250 क्रॉस करें, ऐसे धीरे धीरे एक स्टेप लेना। जो बच्चे प्लान कर लिए हैं कि हमको भी जेईई मेंस निकालना मेहनत करना है, तो कितना घंटा पढ़ाई करते थे और कब करते थे? हम जैसे मतलब स्कूलिंग आवर हो या मतलब जो घर में रहते थे उसमें जैसे लॉकडाउन का मुझे फायदा हुआ, मतलब होता है कि लॉकडाउन होने के बावजूद मतलब मैं टीचर से तो मेरा अच्छा कम्युनिकेशन बना नहीं, लेकिन फिर भी मतलब दिन में 10-11 घंटे तो पढ़ ही लेते थे। कौन सा ऐसा चीज़ है जो आपको बहुत मोटिवेट किया? जैसे मान लीजिए टॉपर्स, पिछले प्रीवियस ईयर के टॉपर जो लोग रहते थे उनका जो मतलब इंटरव्यू या फिर जो उन लोगों का सेशन आता था एक, तो उन्हें देख के लगता था, या फिर जो मॉड्यूल के पीछे जो छपा रहता मतलब ये रैंक 1 है, रैंक 9 है, या फिर ऑल इंडिया रैंक 131 जो टॉप 1000 के अंदर आता है, तो उन्हें देख के लगता है कि काश हम भी वहाँ पहुँच जाए तो एक बढ़िया रहता है। पूरा समय जो आपका कोविड में रहा ऑनलाइन पढ़ाई रही, तो ऑनलाइन पढ़ाई करने में आपको कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होती? वो तो रही थी, मतलब फिर भी हम सोच रहे थे मतलब कि कहीं से भी मतलब थोड़ा मोड़ा करके मटेरियल ले लें। मान लीजिए कि जैसे होता है कि बहुत बार सर लोग नोट्स भी यूज करते थे, मतलब नोट पैड से यूज होने से मतलब फायदा होता है कि हमको एक अच्छा क्लियर कंसाइज कंसेप्ट मिल जाता है। खास करके फिजिक्स का बात है कि उसमें प्रैक्टिकल बहुत है, लेकिन फिर भी अगर मतलब अगर हम अच्छा बुक्स खोजें, मतलब अच्छा अच्छा बुक्स खोजें, तो अगर सर एक बार समझा दें ऑनलाइन में तो उस कंसेप्ट पर समझ के नोट्स बना के फिर हम जाके बुक में चेक कर सकते हैं उस चीज़। लॉकडाउन के इबस में बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कांटेक्ट में नहीं रहे, कांटेक्ट में नहीं रहने से वो क्या घर पे करते थे ये दिक्कत हो रहा था। लेकिन ख़ास करके मैं इसकी बात करूँ तो जो भी इसको कन्फ्यूज़न होता था ये हमको क्वेश्चंस भेज देता था और उसके बाद हम उसको सॉल्व करते थे और फिर हम उनको तुरंत हम रिसेंट करते थे। मतलब कोई भी कंपटीशन में जेईई मेन और एडवांस या नीट हो, उसके लिए एक प्लानिंग ज़रूरी है। विदाउट प्लान आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसी प्लानिंग से आपको पढ़ना है। सपोज़ आपने टाइम टेबल फिक्स किया कि हमको मैथ्स 3 घंटा एवरी डे पढ़ना है, और जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान देना होगा कि आज हमने क्या गेन किया, क्या
कल हम उसी चीज़ को पढ़ रहा हूँ तो हमको लगना चाहिए कि कल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो आज से बेहतर हो गया। इसी ढंग से प्लांड वे में स्टडी बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे सीरियस होंगे वो ऐसे ऐसे एग्जामिनेशन निकाल लेंगे डेफिनेटली। जो भी इस दौरान भी हमने जैसे इन्हीं का एग्जाम्पल लिया, ये मेडिकल का भी तैयारी कर रहा है। आप ये समझिए कि ये स्टूडेंट जो नीट मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इवन बायोलॉजी और इन मैथ ही इज़ गेटिंग अराउंड 99.96 परसेंटाइल, मीन्स यू शुड थिंक अबाउट दैट कि हाउ ही इज़ प्रिपेयरिंग। सर अब तो ऑफलाइन हो गया है, क्या स्ट्रेटजी और लेके चल रहे हैं? अभी मेरा यही प्लान है कि सारे स्टूडेंट को जो भी यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ उनको हम सिर्फ कोचिंग पे बुला रहा हूँ कि यहीं बैठिए, आपके पास टाइम है और यहाँ पे हम भी प्रेजेंट रहता हूँ, यदि कोई कन्फ्यूजन हो देन इमीडिएटली वी आर गोइंग टू रिजॉल्व दिस कन्फ्यूजन एंड ऑल। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।